बालिका शिक्षा, संस्कार, नारी सशक्तिकरण, जगत कल्याण, अध्यात्म व विज्ञान सेवा के क्षेत्र में किए गए अतुल्य कार्य के लिए नगर परिषद बालोतरा द्वारा पुनः अनावरण कर आध्यात्मिक योगी श्री नंदकिशोर शारदा मार्ग का पट्टी का पूजन सिद्धार्थ दीप अपर जिला न्यायाधीश सुमित्रा जैन सभापति नगर परिषद बालोतरा, भगवत सिंह जसोल प्रधान बालोतरा, देवदत्त शर्मा अधीक्षक सेवा कर बालोतरा, ईश्वर सिंह चौहान सरपंच जसोल समाजसेवी सुरंगी लाल सालेचा, भवर भंसाली पूर्व सरपंच जसोल मधु आडवाणी अध्यक्ष विवेकानंद ट्रस्ट जोधपुर के कर कमलों से सुबह किया गया। पट्टिका का पूजन पश्चात चार सीजन वैंकेट एंड रिसोर्ट में विश्व बंधुत्व, विश्व शांति एवं मानव कल्याण हेतु भव्य सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, अतिथियों का साफा व माल्यार्पण के साथ हुआ। महिला मंडल ने स्वागत गीत गाया व नृत्य किया। ट्रस्ट अध्यक्ष मधु आडवाणी ने बताया कि भैया नंद किशोर शारदा ने 15 वर्ष की आयु में चैतन्यता की खोज कर जगत जननी माँ त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया एवं इस धरती पर अवतरित करने का असंभव सा कार्य किया। वर्ष 1996 में विवेकानंद ट्रस्ट की स्थापना कर बालिका शिक्षा व संस्कारों की नींव रखी। जगत कल्याण हेतु मृत्यु के बाद का अलौकिक संचार नामक दिव्य पुस्तक लिखी, जो आज की पीढ़ी के लिए विज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित करती है कि ईश्वर है और दर्शन देते हैं। वात्सल्य माँ वसंती मनिहार ने भैया की प्रेरणा से ऐसा स्थल बनाया जिसे कि गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर से मिला जा सकता है। इन्होंने बुद्धि विवेक योग साधना पद्धति पर चलने के 8 प्रकार के सूत्र बताए। सिद्धार्थ दीप अपर जिला न्यायाधीश ने बताया कि भैया के विचारों को पढ़ने व सुनने से सही जीवन जीने का सूत्र मिला। व्यक्ति द्वारा निस्वार्थ मानव सेवा करने पर उसकी खुशबू उसके संसार से जाने के बाद भी कायम रहेगी। एक समय ऐसा आएगा जब भैया का यह मिशन पूरे विश्व में फैलेगा। सुमित्रा जैन सभापति नगर परिषद बालोतरा ने यह कहा कि भैया व माँ का आशीर्वाद ही मणिद्वीप परिवार में आध्यात्म से जोड़ता है एवं ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। भगवत सिंह जसोल प्रधान बालोतरा ने बताया कि बालोतरा की ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा व संस्कार का कार्य मणिद्वीप ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जो सराहनीय है एवं सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर जो आध्यात्म मार्ग बताया वह अनुकरणीय है। ईश्वर सिंह चौहान सरपंच जसोल ने बताया कि इस ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण परिवारों में शिक्षा, संस्कार एवं खाद्य सामग्री वितरित कर उनका मनोबल बढ़ाया, जो प्रशंसनीय है। मैं इस ट्रस्ट का आभारी रहूंगा। कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र मंत्री ने कहा कि भैया के ज्ञान से सन 2007 से आध्यात्म में नई क्रांति आई है एवं नगर परिषद बालोतरा ने भैया नंदकिशोर शारदा मार्ग का पुनः अनावरण कर नवीन कीर्ति स्तंभ प्रदान किया है। हर्षिता डागर ने बताया कि माँ बसंती मनिहार की प्रेरणा से मुझे भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्थायी भाई मिला एवं वह रिश्ता हमेशा स्थायी रहता है। ईश्वर से जिस रूप में संबंध बनाते हैं, ईश्वर उसी रिश्ते से वह संबंध निभाते हैं। प्रोफेसर बीके भंसाली ने कहा कि भैया नंदकिशोर शारदा की हस्तलिखित डायरी को पढ़ने से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जगत जननी माँ दर्शन देती है। समाजसेवी सुरंगी लाल सालेचा ने कहा कि जसोल व बालोतरा की इस धर्मनगरी में भैया की नाम पट्टिका का पुनः अनावरण कर पुष्ट किया है। भैया ने आज के युग के अनुकूल जीवन जीने का सुगम मार्ग दिया है। पारस गोटी व रेखा ने कविताएं सुनाई। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट ने अतिथियों से विभिन्न सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को 182,000 की छात्रवृत्ति के चेक वितरित करवाए एवं 300 स्कूल बैग व अति जरूरतमंद परिवारों में खाद्य सामग्री के किट वितरित करवाए। मंच संचालन नरेश वैद्य ने किया। धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हुए आरती मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम की इस कड़ी में हर्षित भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव भव्य रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में भवर भंसाली पूर्व सरपंच जसोल देवदत्त शर्मा प्रवीण जैन राधा गुप्ता मणिद्वीप आध्यात्म परिवार जसोल बालोतरा जोधपुर गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कैमरामैन प्रकाश सोनी के साथ जसोल से तारा कंवर भूमिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली, आप देख रहे हैं B1 24 न्यूज।
चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहली खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।